सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यूडीएच मंत्री पर आरोप लगाए हैं। सब ये जो कॉलोनी बसाई गई थी सिर्फ एनआरआई के लिए थी। एनआरआई अब आज आईपीएस आईएएस सभी लोग यहाँ पर है। वो क्यों रह रहे हैं वो तो जांच का विषय है। आईएएस तो इसलिए रह रहा है, कोई हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे, तब से अब तक उन्होंने खाली नहीं किया। आईपीएस की मेरे को जानकारी नहीं कौन है। हाँ होंगे तो आईएएस आईपीएस इसमें चेंज करवा सकते हैं, अल्ट्रेशन करा सकते हैं। राजस्थान में देश में रहने के बाद भी एनआरआई का फर्जी कागज बनाकर वो अपना अलॉटमेंट करा सकते हैं, तो इनकी जांच एसीबी या एसओजी को देके, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो नेता, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। घुसते ही तो नेताओं को बन रहे थे, तो ये जो अल्ट्रेशन हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जो जिस उद्देश्य से कॉलोनी बनाई थी उसका स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, उसका पर्यावरण बिगड़ रहा है, और जिस उद्देश्य से ये जमीन दी गई थी वो उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे, इसलिए इस अलॉटमेंट को निरस्त किया जाए। अरबों की जो जमीन है उसको एक षड्यंत्र के तहत 6-7 करोड़ में धारीवाल जी ने खुद ने दे दी, उनके हस्ताक्षर है, आप पूरी फाइल देख लो, 6-7 करोड़ में दे दी। कागज है थोड़ा सा आप शो कर सकते हैं जिसमें वो दिख रहा हो कि ये तो है जिसमें अल्ट्रेशन विकास योजना की ये है, उसमें तो अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। और जो ये सरकार का आदेश है अभी 31/3/2023 को दोबारा सरकार ने आदेश निकाला है, वो फाइल लाना भैया ये पूरी फाइल है अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट आरजी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी 22B22 हल्दी मार्ग प्रताप नगर सांगानेर रहने वाला के तो कोटा के हैं, स्थाई पता तो वहाँ है, लेकिन इस पते से ये अलॉट हो गया। ये अलॉटमेंट लेटर है, ये एक ही दिन में जो 20 दस्तखत किए हैं, देखो यहाँ से लेकर सुनो, अच्छा माँ एक ही दिन में यहाँ से यहाँ तक 20 दस्तखत और तुरंत गति से। फिर मंत्री जी ने इसको टर्न डाउन कर दिया, यहाँ के नॉट अलाउड ये लिख रहा शांति धारीवाल नॉट अलाउड। फिर 15 दिन बाद ही फिर फाइल दौड़ती है, इसमें 20 दस्तखत होते हैं और मंत्री जी कहते हैं अलाउड। ये क्या खेल है, नॉट अलाउड देन अलाउड, अलाउड फॉर कौशल विकास केंद्र स्किल डेवलपमेंट सेंटर, आप देख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है का कतई नहीं। ये बेईमानी है, ये चोरी है, ये राज्य की जनता के टैक्स की लूट है, इसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मुख्यमंत्री जी ऐसे घोटालों की जांच करो, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये कम से कम 150 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक बड़ा ठेकेदार जो कोटा का रहने वाला है, तो धारीवाल जी का खास आदमी है, उसने कब्जा कर रखा है। ठीक है, आपने देखा कि ये शांति धारीवाल सीधा सीधा खुला खुला आरोप लगाया, साथ ही कहा कि तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा को हम सुन रहे थे, जिन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कुछ सबूत भी पेश किए मीडिया के सामने। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूडीएच मंत्री पर सांसद ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं।